हेलो फ्रेंड्स, ये हमारी चैनल टेक जुगाड़ है और आप सभी का स्वागत है नए वीडियो में, जिसमें कि हम बनाएंगे एक एग टर्नर ट्रे, जिसमें हम जो साइज़ ले रहे हैं इनक्यूबेटर के लिए हमारे बना रहे हैं, तो उसमें हमारे पास जो साइज़ है वो एक रेक्टेंगल साइज़ है और जो हम साइज़ ले रहे हैं वो है 17 इंच बाय 13 इंच। तो ये हमारा फुल टर्नर ट्रे का साइज़ है और इसमें हम लगाएंगे प्लास्टिक की जो नेट होती है वो लगाएंगे, और उसके अलावा इसके अंदर एक ट्रे और बनेगा जो इस ट्रे के अंदर मूव करेगा, और यहाँ पे हम एक मोटर माउंट करेंगे जो कि सिंक्रोनस मोटर है, जो 4 से 5 राउंड पर मिनट की स्पीड देती है, तो वो इस ट्रे को मूव कराएगी आगे पीछे। तो इसके लिए जो मैं सामान यूज़ कर रहा हूँ वो ट्रे बनाने के लिए मैं ये लकड़ी की स्ट्रिप्स यूज़ कर रहा हूँ, और इसके अलावा जो मैंने आपको प्लास्टिक की जो जाली बताई है वो ये है। मैं लोहे की जाली इसलिए यूज़ नहीं कर रहा क्योंकि जब हम अंडे उस पर रखेंगे तो मूव करने में वो फूट सकते हैं, और इसके अलावा जो ये है एक सिंक्रोनस मोटर है, आप देखिए इसकी रेटिंग्स यहाँ पे दी हुई हैं, तो ये अराउंड 4 वॉल्ट की मोटर है और 5 से 6 कंटिन्यूस की रेटिंग्स राउंड पर मिनट की रेटिंग रहती है। वो ये है 4 वॉट की मोटर है और 5 से 6 राउंड पर मिनट इस पर लिखा हुआ है, तो काफ़ी स्लो चलती है, सिंक्रोनस मोटर है, इसे हम इसमें यूज़ करेंगे टर्नर के लिए, टर्नर मोटर के लिए। और इस मोटर को जो हम टाइम करेंगे कि कितने टाइम में स्टार्ट करना है, वो ये रिले ये टाइमर रिले यूज़ करेंगे उसके लिए। तो चलिए हम इसे बनाते हैं। हमारी स्ट्रिप्स थी जो हमें बनाना था, उसका जो बकेट टाइप, उसके लिए हमने काट ली हैं, तो ये 17 और 13 इंच की हमने 4 स्ट्रिप्स काटी हैं जिनसे हम एक रेक्टेंगल बनाएंगे। बाद में हटा देना। मैंने जो इसकी मेन फ्रेम थी वो बना ली है, ये 13 बाई 17 इंच के हिसाब से देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए, और ये 13 बाई 17 के हिसाब से। अब मैं इसके अंदर एक फ्रेम और बनाऊंगा जो मूव करेगा। ट्रे था ये बन गया है, और ये जो है 11 इंच और 12 इंच की जो स्ट्रिप्स हैं इससे हम जो एक रोटेशन ट्रे बनाएंगे, देखिए मैं आपको इसको एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ, तो ये इस तरीके का बनेगा कुछ। तो ये जो ट्रे है ये इस ट्रे के अंदर मूव करेगी और इस ट्रे के नीचे जाली लग जाएगी ये, तो ये इस तरीके से ये ट्रे, ये वाली ट्रे आगे पीछे होगी, इसमें अंडे मूव करेंगे। सेटअप हमने पूरा कर लिया है, यहाँ पे जो है इसमें एक ऐसी शाफ्ट फंसेगी जो ये मोटर से चलेगी, और ये मोटर हमने यहाँ पे टाइट कर ली है, ये देखिए इसी में, तो ये इस हिसाब से ऐसा चलेगा, तो ये मोटर इसको ऐसे ऐसे चलाएगी। ये जो हमारा जो एक टर्नर ट्रे था जिसे हमने बनाया था ये कंप्लीट हो चुका है। आप देखिए इसमें हमने ये अंडे रखे हुए हैं, और इसमें मुर्गी के और बटेर के दोनों अंडे रखे हुए हैं, और देखिए ये बराबर रोटेट हो रहे हैं, और इसमें हम साथ में एक टाइमर लगाएंगे जिससे ये दिन में 5 से 6 बार रोटेट होंगे 1 मिनट के लिए, तो इसका जो रोटेशन टाइम है वो 1 मिनट में राउंड पर मिनट एक मिनट में 5 बार है, तो ये 5 बार रोटेट होके बंद हो जाएंगे। तो इस तरीके से जो हमारे अंडे हैं वो बराबर इसमें इनक्यूबेटर में अच्छे से सब तरफ से जो इसको हीट मिलनी चाहिए वो मिलेगी, और बहुत ही आसान प्रोजेक्ट है, आप भी बना सकते हैं, ज़्यादा खर्चा नहीं है। मैंने ये मोटर करीब 100 रुपये की परचेस की है, और उसके अलावा जो ये चीज़ें खरीदी हैं ये टोटल सामान मुझे 200 रुपये का पड़ा है, और 200 रुपये में मैंने इतना बड़ा एक ट्रे बनाया है, तो आप लोग भी बना सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़, प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब।